हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आ जाओ फटाफट से, चैप्टर वन के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। घन कोण किसे कहते हैं? देखो सिंपल सा है बेटा, घन कोण क्या होता है बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे जी ए बी एक पृष्ठ बना हुआ है, ये ए बी अपना एक पृष्ठ बना हुआ है। अब ये पृष्ठ की परिसीमाएं, बाहरी किनारों को बोलते हैं परिसीमा, परिसीमा बाहरी किनारों को। परिसीमा पर ये बिंदु स्थित है, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, और ये अपना एक बेटा पृष्ठ बना हुआ है, ये अपना एक पृष्ठ बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, घन कोण किसे कहते हैं? घन कोण बेटा इस बिंदु पर बनता है, इसको अपन डी ओमेगा से डिनोटेड करते हैं, इस बिंदु पर बनता है बेटा। तो क्या है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को हम घन कोण कहते हैं। क्या बेटा, किसी पृष्ठ द्वारा, ये अपना एक पृष्ठ बना हुआ है, तो किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को हम घन कोण कहते हैं। अच्छा ऐसा मानो बेटा कि पृष्ठ की ये परिसीमा है, तो पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदु, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदु जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं, पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदु जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वहाँ घन कोण का निर्माण करते हैं। और किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित घन कोण के सूत्र को हम इस प्रकार लिखते हैं। देखेंगे बेटा सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र हो जाएगा हमारा ओमेगा इंट्रीगल डी ओमेगा इंट्रीगल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। अगर कहीं पर अपन को दिख जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 4 पाई लिख सकते हैं बेटा। अपन गॉस की प्रमेय जो अपन सॉल्व करते हैं बेटा इस चैप्टर में, तो गॉस की प्रमेय जो अपनी थ्योरम है बेटा, गॉस की प्रमेय है, उसमें इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल भी होता है घन कोण का, कि इंट्रीगल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित जो घन कोण होता है वो कितना होता है बेटा, 4 पाई अपना होता है। ठीक बेटा, तो गॉस की प्रमेय में इस वैल्यू का इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इंट्रीगल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अपनी 4 पाई होती है। घन कोण किसे कहते हैं समझ में आया बेटा? क्या बताया तुमने घन कोण के बारे में, कि किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए अपना किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को अपन घन कोण कहते हैं। पृष्ठ की ये परिसीमा यानी बाहरी किनारे, तो पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदु जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वहाँ घन कोण का निर्माण करते हैं। घन कोण का जो सूत्र होता है ओमेगा बराबर इंट्रीगल डी ओमेगा बराबर इंट्रीगल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं और असमानताएं लिखिए। तो देखो बेटा सबसे पहले आंसर में अपन समानताएं लिखेंगे, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं। सबसे पहली समानताएं अपन ये लिखेंगे, हेडिंग डाल सकते हैं अपन समानताएं। समानताओं का मतलब होता है समान, यानी जो स्थिर विद्युत बल में होता होगा बेटा वही सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण बल में होता होगा। तो समानताओं का मतलब होता है समान और असमानताओं का मतलब होता है बेटा अंतर। तो अपन समानताएं देख रहे हैं अभी, तो समांतर में अपन बेटा पहला पॉइंट ऐसा लिखेंगे, समानताओं में आपको अगर ध्यान होगा तो अपन ने विद्युत कूलाम का नियम किया था, मतलब स्थिर विद्युत में अपन ने कूलाम का नियम किया था। एक डेरिवेशन है उसमें अपन आंसर निकालते थे एफ बराबर 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा बेटा अपन आंसर निकालते थे। इसलिए पहला पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं कि चाहे अपना स्थिर विद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों ही बल आर को बोलते हैं दूरी, और दूरी पे क्या लगा है वर्ग, तो दूरी के वर्ग के, यानी स्थिर विद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटा व्युत्क्रम बोलेंगे। तो यह बल यानी दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। दूसरा सेकेंड पॉइंट बेटा, दोनों बल बेटा अपन निर्वात में लग सकते हैं,
निर्बाध का मतलब जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता वहाँ पर भी अपने दोनों बल लग सकते हैं। तीसरा पॉइंट समानताओं में ऐसा लिखते हैं कि दोनों ही बल अपने केंद्रीय बल होते हैं, दोनों ही अपने केंद्रीय बल हैं, ठीक बेटा। चौथा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों ही अपने संरक्षी बल हैं, दोनों ही अपने कैसे बेटा संरक्षी बल हैं, ठीक बेटा। पहला पॉइंट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करते हैं, दोनों ही बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं, यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं किसके, दूरी के वर्ग के। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा कि दोनों बल अपने किस में लग सकते हैं, निर्बाध में, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता वहाँ पर भी अपने दोनों बल लग सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह दोनों कैसे बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है, दोनों ही बल कैसे बल होते हैं अपने बेटा, संरक्षी बल होते हैं। समझ में बेटा आ रहा है, ठीक। अपन असमानताओं की बात करते हैं तो असमानताएं बेटा दोनों में ज़्यादा नहीं है, असमानताओं की बात करते हैं तो असमानताओं में पहला पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे बीच में अपन लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्थिर विद्युत बल और दूसरी तरफ लिखेंगे अपन गुरुत्वाकर्षण बल बेटा। तो पहला पॉइंट स्थिर विद्युत बल में ऐसा लिख देते हैं कि जो अपना स्थिर विद्युत बल होता है, ये अपना स्थिर विद्युत बल जो होता है वो अपना आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। क्योंकि अपन ने बेटा विद्युत में पढ़ा हुआ है, जैसे अपने आवेश होते हैं, जैसे बेटा दोनों धन आवेश होते हैं तो कौन सा बल लग जाता है, प्रतिकर्षण बल लग जाता है, और एक अपना धनावेश होता है एक अपना ऋणावेश होता है तो कौन सा बल लग जाता है, अपना आकर्षण बल लग जाता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल जो होता है वो कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है बेटा और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, कैसा, केवल आकर्षण प्रकृति का। जैसे अपन जानते बेटा किसी भी पत्थर को अपन पृथ्वी से उठाकर ऊपर फेंक देते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव से नीचे वापस लौटकर आ जाता है। तो ऊपर से जब वो वापस लौटकर आता है तो केवल कौन सा बल लग रहा है बेटा उस पर, केवल आकर्षण बल ही लग रहा है। बात बेटा समझ में आ रही ना, तो ये वाला जो बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, लेकिन अपना ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, ओनली फॉर बेटा कौन सा, केवल आकर्षण प्रकृति का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपना पत्थर जब जमीन से उठाकर अपन ऊपर फेंक देते हैं तो पत्थर वापस पृथ्वी पर आकर्षण बल के कारण वापस लौटकर आ जाता है। और स्थिर विद्युत बल जो होता है बेटा, ये अपना एक प्रबल बल होता है, स्थिर विद्युत बल जो होता है अपना एक प्रबल बल होता है, और ये वाला जो अपना होता है बेटा वो दुर्बल बल होता है। तो इसमें बेटा अंतर ज़्यादा नहीं है, केवल दो ही अंतर होते हैं। अंतर में क्या लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। मैंने आपको समझाया कैसे होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण, जबकि अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल ओनली फॉर आकर्षण प्रकृति का ही होता है। और जो अपना स्थिर विद्युत बल होता है बेटा वो अपना एक प्रबल बल होता है, और अपना गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अपना एक दुर्बल बल होता है। बात बेटा समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, देखते हैं बेटा। अभी अपन देखते हैं ऑनलाइन में अपन क्लास दे रहे हैं आपको, हालांकि ऑफलाइन अभी अपना बंद है तो अपन ऑनलाइन में ही क्लास दे रहे हैं बेटा आपको। तो कोशिश करते हैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिखा पाऊँ बेटा, इसलिए मैं बिल्कुल भी आपका चैनल पर बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करता हूँ। देखेंगे बेटा, चालक को धन आवेशित करने पर, अगला क्वेश्चन है, चालक को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है क्यों, चालक को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है क्यों। सीधी सीधी सी बात बेटा, जैसे कोई भी अपना चालक हो, कोई भी चालक उसी स्थिति में धन आवेशित होता है, जैसे ये चालक है इसको अपन क्या कर रहे हैं, धन आवेशित कर रहे हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी चालक को जब धन आवेशित करते हैं तो वो तभी धन आवेशित होता है जब उसके परमाणु में से, जब उसके क्या परमाणु में से
उसकी परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसकी परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यानी चालक को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान, मतलब उसका जो मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, वो कुछ कम हो जाता है। क्यों? तो सिंपल सी बात बेटा कि कोई भी चालक उस स्थिति में धन आवेशित होता है जब उसके परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यानी उसके परमाणु में से जब बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बाहर बगर जाएंगे, तो उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा बेटा? कम। एक ऐसे एग्जांपल से समझ लो बेटा, जैसे एक गेहूं का बोरा भरा हुआ है और गेहूं का बोरा नीचे से फटा हुआ है, तो उसमें से गेहूं लगातार कहाँ निकलते चले जाएंगे बेटा? गेहूं लगातार अपने बाहर निकलते चले जाएंगे। जब गेहूं लगातार बाहर निकलते चले जाएंगे बेटा, तो उस बोरे का वजन कम होगा कि नहीं होगा? उस बोरे का वजन कम होगा ना, क्योंकि गेहूं कहाँ बगर रहे हैं? बाहर बगर रहे हैं। जब गेहूं बाहर बगर रहे हैं बेटा, तो उसका द्रव्यमान बोरे का, यानी उसका वजन बोरे का कैसा होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा बेटा। तो मैजिक के तरीके से ऐसी दिमाग ट्रिक बना लो बेटा अपने दिमाग में कि ये बोरे में से इलेक्ट्रॉन बाहर बगर रहे हैं बेटा, बोरे में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर बगर रहे हैं तो उनका वजन कैसा रह जाएगा? कम रह जाएगा। तो यही पूछ रहा था बेटा क्वेश्चन में, चालक को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, क्यों? तो सिंपल सी बात है, ऐसा लिखेंगे कि कोई भी चालक उस स्थिति में धन आवेशित होता है जब उसके परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकल जाने के कारण ही उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। बात बेटा अपन समझ पा रहे हैं? तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे बेटा अपना अगला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी बेटा मेरी लाइव वीडियो भी देखते रहना, अगर लाइव वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपका अगर रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को, तो फिर आपके लिए बाकायदा लाइव वीडियो भी डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे लाइव वीडियो भी। हाँ देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः रबर विद्युत रोधी होती है, यानी सामान्यतः रबर विद्युत रोधी होती है, सामान्यतः रबर विद्युत रोधी होती है, किंतु वायुयान के टायर, कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक बेटा, ऐसा कह रहा है, सामान्यतः रबर विद्युत रोधी होती है किंतु वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो बेटा सिंपल सी बात है, ऐसा कह रहा है अपन से कि जो रबड़ होती है वो विद्युत रोधी होती है। विद्युत रोधी का मतलब कुचालक, कि अपनी जो रबड़ होती है उसमें करेंट नहीं आता, विद्युत रोधी होती है, कुचालक होती है बेटा। तभी तो अपनी बेटा साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रक, सबके टायर किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं रबड़ के? क्योंकि रबड़ हमारी विद्युत की कुचालक होती है। अगर कभी कोई बस किसी करंट के तार के ऊपर से निकल जाएगी तब भी किसी को करंट नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि बस थोड़ी ना निकल रही है,
उस तार के ऊपर से, उस वायर के ऊपर से क्या निकल रहे हैं, बस के पहिए उस तार के ऊपर से निकल रहे हैं। जब बस के पहिए बेटा उस तार के ऊपर से निकल रहे हैं तो समझदार हो आप, बस में करंट नहीं आया, क्योंकि पहिए किसके बने हुए, रबड़ के, और रबड़ कैसी होती है, विद्युत की कुचालक यानी विद्युत रोधी होती है। तो ऐसा कह रहा है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रक सबके टायर किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं, और रबड़ कैसी होती है बेटा, विद्युत रोधी मतलब कुचालक होती है, उसमें करंट नहीं आता, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है किंतु जो हवाई जहाज होता है अपना वायुयान, हवाई जहाज, उसके टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, यानी हवाई जहाज के टायरों में बेटा करंट आता है, ऐसा पूछ रहा है क्यों बनाए जाते हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था आपके सामने, तब मैंने आपको घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ाया था, ध्यान बेटा, तब मैंने आपको घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको बेटा बताया था कि जब अपन कंघी को या पेन को बालों से रगड़ते हैं, बालों से घर्षित करते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, घर्षण विद्युत आ जाती है। क्या बन जाती है बेटा, उसमें घर्षण विद्युत बन जाती है। घर्षण विद्युत का मतलब उसमें आवेश बन जाता है, इसलिए वो कागज़ के टुकड़े चिपकने लगते थे, ऐसा मैंने बेटा पहले क्वेश्चन में इस चैप्टर में सिखाया था बेटा आपको। तो सिंपल सी बात है बेटा, बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज कोई भी हो, जब भूमि से उड़ता है, यानी हवाई जहाज जब भूमि से उड़ता है या भूमि पर उतरता है, तब बेटा उसको अपने पहियों पर ही दौड़ना पड़ता है, हवाई जहाज को अपने पहियों पर बराबर दौड़ना पड़ता है, तब जाके बेटा वो उड़ान भरता है। तो इसका मतलब जी बेटा कि जब वो अपने पहियों पर दौड़ता है, लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास तक वो पहियों पर दौड़ता है, तब जाके बेटा उड़ान भरता है। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं बेटा कि जब वो हवाई जहाज अपने पहियों पर 7-8 किलोमीटर दौड़ता है, तो जब थोड़ी सी अपन पेन को बालों से रगड़ते हैं, तब घर्षण विद्युत बन जाती है बेटा। जब पहिए वो लगातार रगड़ेंगे बेटा सड़क से, जब वो उड़ान भरने के लिए तैयार है, तब 7-8 किलोमीटर तक अपनी पहियों पर चलेगा, तो कितना घर्षित होंगे बेटा, तो वहाँ क्या बनेगा, आवेश प्लस वायु का घर्षण भी होता है। जब अपन देखते हैं बस चल रही है, कार चल रही है, तो वायु की अपने को मतलब कितनी हवा लगती है अपन को तेज, अपन मोटरसाइकिल पर भी जैसे 70-80 की स्पीड पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पूरी ओपन होती है, उसमें कोई बॉडी नहीं है, तो अपन को खतरनाक हवा लगती है। इसका मतलब क्या है, ट्रक, बस वगैरह या हवाई जहाज वगैरह जब जी सड़क पर दौड़ते हैं, तो वायु का भी काफ़ी तीव्र घर्षण इनकी बॉडी पर होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि हवाई जहाज जब उड़ान भरता है, हवाई जहाज जब उड़ान भरता है, तो उसकी बॉडी आवेशित हो सकती है, और उसकी बॉडी अगर घर्षण से, वायु के घर्षण से या टायरों के घर्षण से आवेशित हो जाएगी बेटा, और हवाई जहाज जब ऊपर उड़ जाएगा तो उसकी बॉडी पर आवेश रहेगा, तो उसके लिए वो मोर डेंजरस है, यानी कभी भी हवाई जहाज ब्लास्ट हो सकता है, उसमें कुछ भी घटना हो सकती है बेटा। तो हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसकी बॉडी पर बेटा कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी पर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जब हवाई जहाज उड़ता है, तो हवाई जहाज उड़ता है तो जो 7-8 किलोमीटर वो अपने टायरों पर दौड़ता है, तो टायरों के घर्षण से या वायु के घर्षण से उसकी बॉडी पर जो भी बेटा आवेश आता है, जो भी आवेश आता है, तो उसके जो टायर होते हैं, टायर कैसे बनाए जाते हैं, कुछ चालक, यानी उसके टायरों में करंट आता है, उसके टायरों में आवेश आ सकता है, तो उसके टायर बेटा इसलिए चालक बनाए जा रहे हैं कि वायु के घर्षण से और टायरों के घर्षण से उसकी बॉडी पर जो भी आवेश होगा, वो टायरों के द्वारा बराबर किस में समाता रहेगा बेटा, लगातार पृथ्वी में समाता रहेगा। और पृथ्वी अपनी बहरी भी कंडक्टर है, पृथ्वी क्या, अपनी बहरी भी कंडक्टर, पृथ्वी अपनी एक बहुत बड़ा चालक है बेटा, पृथ्वी अपनी बहुत बड़ा चालक है, यानी ऐसा मान लो बेटा कि पृथ्वी से चाहे तो अपन आवेश को ले भी सकते हैं, और चाहे तो अपन पृथ्वी को आवेश को दे भी सकते हैं बेटा, तो उसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो पृथ्वी का विभव हमेशा बेटा शून्य माना जाता है, चाहे हम उससे आवेश ले लें, चाहे हम उसको आवेश दे दें, पृथ्वी का विभव हमेशा क्या माना जाता है बेटा, शून्य माना जाता है। पृथ्वी को बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, जैसे आप समुद्र के एग्जांपल से समझ लो बेटा, जैसे अपन समुद्र में से 2-4 गिलास, 10-20 गिलास, 2-4 बाल्टी पानी निकाल लो समुद्र में से, तो समुद्र कभी रोता नहीं है कि मेरा पानी चोरी हो गया, कि उसका तल घट गया, या उसमें 2-4 ड्रम पानी डाल दो समुद्र में,
तब भी वो खुश नहीं होता कि मज़ा आ गया, मुझे चार ड्रम पानी मिल गया, मेरा तल बढ़ गया। तो बेटा जैसे समुद्र में दो चार ड्रम पानी निकाल लो तब भी उसके तल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या दो चार ड्रम पानी डाल दो तब भी उसके तल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी समुद्र का जब तल नपवाते हैं, यानी समुद्र का तल नापा जाए, उसमें से दो चार ड्रम पानी निकालने के बाद फिर द्वारा उसका तल नापा जाए तो उसके तल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे समुद्र में दो चार ड्रम पानी डाल दो, चाहे उसमें से दो चार ड्रम पानी निकाल दो, उसके तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से बेटा अपनी पृथ्वी होती है कि पृथ्वी पे पृथ्वी में से चाहे अपन आप इसको ले लो और चाहे अपन पृथ्वी से आप इसको दे दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पृथ्वी के विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समुद्र से अपन पृथ्वी की तुलना बेटा कर सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं कभी अपन केवल एक करेंट का तार डाल लेते हैं और पृथ्वी से अपन एक थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा वड्ढा खोद के लोहे की रोड लगा के अपन अर्थिंग को ले लेते हैं, तो अपन आप इसको ले रहे हैं। और कभी कभी अपन क्या करते हैं, जब अच्छा मकान बनाते हैं बेटा तो घर के अंदर अपन एक अर्थिंग और लगवाते हैं, ज़मीन में गड्ढा वड्ढा खुदवा के अपना अर्थ का करंट का तार तो अपनी मेन डीपी से आता है, एक अर्थिंग अपन और लगवा देते हैं अपने घर के अंदर, उसमें रॉड मॉड डाल के वो अपने मैकेनिक जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन वो लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा कि हमारे घर में किसी भी उपकरण में करंट आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट बनता है वो हमारी कौन ले लेती है, पृथ्वी ले लेती है। जैसे अपन कूलर के बारे में जानते हैं बेटा, कूलर में हमेशा जब गर्मी टाइम मॉइस्चर का आ जाता है कूलर में तो उसकी बॉडी में झंझनाहट आने लगती है, हल्का सा करंट आने लगता है। अगर अपने घर में वो अर्थिंग लगी हुई है ज़मीन वाली, अपन जानते हैं कूलर में बेटा थ्री पिन प्लग होता है, ऐसा करके थ्री पिन प्लग जो तीसरी जो मोटी वाली पिन होती है उसका कनेक्शन अगर कूलर में है और हमारे घर में जो तीसरी जो अर्थिंग हमने लगवाई है वो भी अगर है, तो फिर बेटा समझ लो कि हमारे कूलर में जीवन में कभी करंट नहीं आ सकता बेटा। तो कभी भी लाइफ में जब सक्सेस हो जाओ, अपना अच्छा सा मकान बनवाओ, तो हमेशा घर के अंदर वो तीसरी वाली अर्थिंग भी डलवा दिया करो। करंट का तार अर्थ का तार तो आपका डीपी से आता ही है, मेन लाइन से आपका आता ही है, एक अर्थिंग अपन घर के अंदर लगवा देते हैं और उस कूलर में तीसरी पिन का भी कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तीन वायर वाली जो डोरी आती है तीसरी पिन वाला, उसका कूलर की बॉडी में कनेक्शन होना चाहिए और इस वाली पिन में होना चाहिए बेटा। तो जब भी अपन प्लग लगाएंगे बोर्ड में, अगर कूलर की बॉडी पर बेटा कोई करंट अगर बन भी रहा होगा एक्स्ट्रा करंट, तीसरी मोटी वाली पिन के द्वारा वो कहाँ चलाया है, पृथ्वी में चला जाएगा। तो ऐसे करके अपन बेटा पृथ्वी को आवेश दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसलिए पृथ्वी के विभव को हमेशा शून्य माना जाता है। तो बेटा समझ में आया, वायुयान के टायर अपन चालक इसलिए बनाते हैं कि उसकी बॉडी पर जो भी आवेश बन रहा है, उसकी बॉडी पर जो भी आवेश बन रहा है वायु के घर्षण से जो आवेश बन रहा है बेटा, वो पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा बेटा, पूरा का पूरा आवेश अपनी पृथ्वी में समा जाएगा, पूरा आवेश पृथ्वी में समा जाएगा। तो अपना बेटा जो वायुयान है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, उसमें बैठे हुए सभी यात्री सुरक्षित हो जाएंगे बेटा। बात बेटा समझ में आई है। अब जैसे एक क्वेश्चन और भी है इसके बाद कि सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगी होती हैं क्यों? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जैसे बेटा सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ, जैसे अपना कोई एक ट्रक है ये अपना ट्रक है बेटा। तो ट्रक में जो पहिए होते हैं बेटा, अपन हवाई जहाज़ की तरह उन पहियों को चालक तो बनवा नहीं सकते, केवल हवाई जहाज़ के पहिए ही चालक बनते हैं, बात बाकी अपन किसी की नहीं बना सकते। क्योंकि अपन जानते बेटा बस वगैरह, ट्रक वगैरह, कार वगैरह ये सब
पृथ्वी पर चलती हैं, ये सब ज़मीन पर चल रही हैं बेटा, सड़कों पर चल रही हैं, और पतपड़ा हवाई जहाज़ की तरह इनके टायर अगर चालक बनवा दिए तो ये किसी करंट के तार के ऊपर से निकलेंगे तो सभी उसमें झूला झूल जाएंगे झुंझुनाते हुए, समझ में आ रही है बेटा, क्योंकि सबको करंट लग जाएगा। इसलिए जो भी ट्रक व्रक हैं बस हैं इनके सबके टायर कैसे बनाए जाते हैं, सबके टायर बेटा कुचालक बनाए जाते हैं, कुचालक रबड़ के, किसी का भी टायर होता है सब कुचालक रबड़ के। अब बेटा जैसे कभी किसी ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ जा रहा हो या विस्फोटक सामान जा रहा हो, जैसे ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है वगैरह इस टाइप के, या कोई विस्फोटक सामान गोला बारूद वगैरह ये सब कोई भी विस्फोटक सामान बेटा, तो जो ऐसे ट्रक होते हैं गैस वगैरह जा रही है ट्रक में जी, विस्फोटक होती है बेटा, तो ऐसे ट्रकों को कभी आपने देखा होगा पीछे की तरफ जो उसकी बॉडी होती है तो ऐसे लोहे की जंजीरें टाइप की टंगी रहती हैं उसमें, आपने कई बार देखा होगा गैस किया होगा ट्रक में पीछे ऐसे लोहे की जंजीरें टाइप की, वो नीचे झूला सा झूलती रहती हैं जंजीरें, ट्रक के ड्राइवर उनमें दिल मिल टांग देते हैं, गिलास कटोरी चम्मच टांग देते हैं, पीछे ऐसे लोहे की जंजीरें लटक रही हैं घनी घनी और ऐसे झूला झूलती हुई चली जा रही बेटा। तो उसका भी यही कारण बेटा कि जब भी कोई ट्रक होता है, कोई भी ट्रक विस्फोटक सामान लेके जाता है बेटा या ज्वलनशील पदार्थ लेके जाते हैं, इसकी बेटा यही कहानी होती है कि उसकी जो टायर होते हैं वो सड़क से ग्रसित होते हैं, जब सड़क से ग्रसित होते हैं तो उसकी बॉडी पर क्या बनता है, आवेश बनता है, उसकी बॉडी पर आवेश, और बेटा वायु का भी घर्षण होता है ट्रक की बॉडी पर। जब 80-90 पर ट्रक चल रहा है तो अपन जानते हैं 80-90 पर बाइक चलाते हैं बेटा, 80-90 पर बाइक चलाते हैं तो अपन को कितनी तेज़ हवा लगती है, तो ऐसे जब ट्रक दौड़ते हैं 80-90 बेटा, ऐसे वाहनों पर पीछे लिखा भी रहता है कि कृपया कुछ वाहन से दूरी बना कर रखें, तो भाई साहब दूरी बना लिया करो उनसे, मजाक मत समझा करो ऐसी चीज़ों को, नहीं तो आप तो बिल्कुल बाइक ट्रक से चिपका के चलाते हो, वो तो डूबेगा सनम तो मैं भी लेके डूबेगा, कभी विस्फोट हुआ ना ट्रक तो साथ में आपको भी लेके डूबेगा, तो उन पर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन देते हैं पीछे बॉडी पर लिखा रहता है कृपया वाहन से कुछ दूरी बनाकर रखें, तो रखना चाहिए बेटा क्योंकि उसमें कभी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसा ट्रक जो होता है पेट्रोल डीजल वगैरह कोई भी गैस वगैरह लेके जाता है या फिर बेटा कोई भी विस्फोटक सामान लेके जाता है तो उसके भी टायर बेटा क्या है ज़मीन से घर्षित होते हैं, ज़मीन से घर्षित होते हैं बेटा, और वायु का भी घर्षण होता है उसकी बॉडी पर, तो वो पूरा आवेश ट्रक की बॉडी पर आ जाता है। और आप जानते हो पेट्रोल वगैरह स्प्रिट वगैरह कोई भी गैस वगैरह को ब्लास्ट होने के लिए थोड़ी सी चिंगारी थोड़ी सी आवेश की आवश्यकता होती है बेटा, तो अगर इसकी बॉडी पर वायु के घर्षण से या ट्रक के पहियों से घर्षण से अगर आवेश आ जाएगा तो ये ट्रक बेटा या कोई भी टैंकर वगैरह जो गैस ले जा रहा है कोई भी टैंकर है या ट्रक है बेटा तो वो विस्फोट हो जाएगा, तो वो पूरा उड़ जाएगा बेटा, अगल बगल वाले भी उड़ जाएंगी। तो उस ट्रक की रक्षा करने के लिए नीचे उसमें धात्विक रस्सियों का मतलब होता है जंजीरें, नीचे उसमें से सड़क से झूलती हुई जंजीरें टांग देते हैं बेटा, तो ट्रक की बॉडी पर जो भी आवेश बन रहा है वायु के घर्षण से वो ट्रक की इन जंजीरों के द्वारा कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रक की इन जंजीरों के द्वारा पृथ्वी में समा जाएगा। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जो भी कुछ आवेश बन रहा है वो इन धात्विक जंजीरों द्वारा धात्विक रस्सियों द्वारा कहाँ चला जाएगा बेटा, वो पूरा पृथ्वी में चला जाएगा, और पृथ्वी में चला जाएगा बेटा तो ट्रक की बॉडी पूरी सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए जो भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन होते हैं बेटा इसलिए उनमें ये धात्विक रस्सियाँ लगी होती हैं ताकि उस ट्रक की हम रक्षा कर सकें, उसमें ट्रक में ड्राइवर है क्लीनर है जो भी बैठे हैं चला रहे हैं वो सुरक्षित ले जा सकें उस ट्रक को, इसलिए बेटा उसमें धात्विक जंजीरें टंगवा देते हैं अपन, धात्विक रस्सियाँ टंगवा देते हैं अपन ताकि उसकी बॉडी पर वायु के घर्षण से जो भी बेटा चार्ज बन रहा है जो भी आवेश बन रहा है वो कहाँ समा जाए, पृथ्वी में समा जाए। पृथ्वी तो समुद्र की बात है बेटा, जब बॉडी पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा पूरा पृथ्वी में लगातार समाता रहेगा तो वो ट्रक सुरक्षित तरीके से जहाँ तक उसको पहुँचना है वहाँ तक बेटा आसानी से पहुँच सकता है। आज की क्लास बेटा आपको मेरी समझ में आई, अगर क्लास बेटा मेरी पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, कोई भी वीडियो मेरे को जो भी समझाता हूँ आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करो, चाहे लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो लेकिन बेटा कमेंट्स करके बताया करो कि आपको पढ़ाया हुआ वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे मेरा हौसला लगातार बढ़ता रहेगा। बेटा मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, अगर आप कमेंट्स करके बताओगे कैसा लग रहा है आपको पढ़ना तो मैं और भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया करूँगा। तब तक के लिए ओके थैंक्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।